हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुजिया। हमारे घर गुजिया बन रहा है, हमारी भाभी बनाएंगी जो कि बहुत ही अच्छा गुजिया बनाती हैं। तो आज ये गुजिया बनाएंगी। तो जिस सामग्री आपको दिखा देते हैं, 1.5 किलो चीनी ले लिए हैं, 1 पाव काजू और 1 पाव बादाम को छोटा छोटा कट कर लिए हैं, और ये 200 ग्राम किशमिश है, 100 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम पोस्ता दाना। पोस्ता दाना बहुत ज़रूरी है, इसी से तो अच्छा खुशबू और अच्छा टेस्ट लगता है। और यह 250 ग्राम मखाना, जिसको भी कट कर ले लिए हैं, और ये 200 ग्राम सोंठ का पाउडर है, और 2 किलो खोया है। और इतने सामान में हम 1 पाव सूजी डालेंगे। आप चाहें तो सूजी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बस 1 पाव डालेंगे सूजी। अब कढ़ाई रख लिए हैं, अब हम इन सबको भूजेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें मूँगफली तेल या रिफाइंड कुछ भी यूज कर सकते हैं, देसी घी भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास देसी घी नहीं है, इसलिए हम रिफाइंड डालकर भून रहे हैं सब। तो अब सूजी हमारी भुनी जा रही है। तो दोस्तों, आज हमारे घर पे गुजिया बन रहा है, तो देखते हैं, भाभी हमारी बहुत अच्छा गुजिया बनाती हैं। आप लोगों को ये कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा बनाती हैं कि नहीं। तो अभी हम सूजी अच्छे से भून लेते हैं। सूजी हम पूरा 1 केजी भून रहे हैं, भून कर रखेंगे, बाद में इसको हम हलवा या उपमा में यूज करेंगे। डालना हमको सिर्फ 1 पाव है, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन हम बस 1 पाव डालेंगे, सूजी ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इधर हम अपना नारियल घिस लेंगे। ध्यान रहे कि हमें नारियल का गोला लेना है। हम 400 ग्राम नारियल लिए हैं, बुरादा नहीं लेना है, बुरादा में वो टेस्ट नहीं रहता है, इसलिए गोला ही घिसना है। तो अब हम नारियल भी घिस चुके हैं, उसको भी हम मसालों के साथ रख लेते हैं, क्योंकि इसे भी हमें भूनना है, कच्चा नहीं डालना है, घी या तेल जो भी है आपके पास। सूजी हमारी देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ऐसा कलर आ जाए तब समझ लीजिए कि सूजी भुन चुकी है। कच्चा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सूजी, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अपना निकाल लिए हैं, फिर से हम इसमें तेल डालेंगे और अपना मसाला भूनेंगे। बारी बारी करके सारा मसाला भूनना है। अब इसको हम थोड़ा सा कलर आने तक भूनेंगे, हल्का सुनहरा कलर हो, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये टेस्ट खराब हो जाएगा। देखिए अब ये लगभग हो चुका है, 5 मिनट तक भूनेंगे, हो जाएगा। हम इसको भी निकालेंगे, चलो पलटेंगे, फ्लेम को थोड़ा मध्यम करेंगे, इसको थोड़ा फैला के रख देंगे। फिर से हम इसमें तेल डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी में बनाएं, हमारे पास घी नहीं था, इस वजह से हम तेल में बना रहे हैं। अब हम ये अपना घिसा हुआ नारियल भी डाल देंगे, इसको भी हल्का सा कलर आने तक 5 मिनट तक भून लेंगे, हो जाएगा। तो लगभग ये नारियल भी भुन चुका है, अब हम इसको निकालेंगे, भुन चुका है ये। इसको 10 मिनट तक लगेगा भुनने में, नारियल भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि इसको 10 मिनट लगेगा भुनने में, इसको हम निकाल लेते हैं। फिर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, अब हम अपना मखाना भून लेंगे। मखाना बस 5 मिनट में भुन जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको पलट लेंगे, फिर से हम वही तेल डालेंगे, अब हम किशमिश भून लेंगे। देखिए किशमिश हमारा हो चुका है, फूल जाए किशमिश, बस इस तरह से फूल जाए, बस अब निकालेंगे इसको, आराम से छान छान के निकालेंगे, ना कि तेल उसी में रहे। इसी तेल में हम और भी मसाले भून लेंगे। इसमें हम चिरौंजी भी भून लेंगे, इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, थोड़ा सा और। हाँ अब हो चुका है बस, हाँ इसको 2 ही मिनट, बस 2 मिनट में चिरौंजी हमारा हो जाएगा। अब हम फ्लेम को बंद करके तब इसमें पोस्ता दाना डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत मोटी है, तो पोस्ता दाना इसमें हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो ये जल जाएगा। बस तो हमारा मसाला देखिए भून चुका है, चिरौंजी और पोस्ता दाना एक में ही है, ये सारा हमारा सब भून के कट के सब तैयार है। अब हमें देखिए चीनी है, इसको हम पाउडर बना लेंगे, मिक्सर में पीस लेते हैं। तो हमारा सारा मसाला और चीनी पीस के सब रेडी है। तो पहले खोआ हमारा घी की वजह से जम चुका है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे,
उसके बाद हम इसमें मसाला वगैरह डालेंगे। तो सूजी हमें एक पाव ही डालना है अभी। ये सब ये सूजी हम रख देंगे अपना, बाद में यूज़ करेंगे, कहीं भी हलवा या उपमा में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको मिक्स कर लेंगे पहले सूजी और खोया, तब बाकी चीज़ें डालेंगे। हाँ, अब हम अपना काजू और बादाम का जो क्रश किए हैं वो डाल देंगे और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। नारियल भी डालेंगे। कोई बड़ा बर्तन लेंगे हम मिक्स करने के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए हमारा बर्तन थोड़ा छोटा हो गया, मसाला ज़्यादा हो गया है, तो आप ऐसी गलती ना करें। ये हमारा पोस्तुदाना और चिरौजी है। मखाना, मखाना भी डालेंगे। इसको दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा सोल्ट का पाउडर है, 200 ग्राम पाउडर हमें पूरा डालना है, तभी अच्छा टेस्ट लगेगा इसमें। ये पूरा 200 ग्राम सोल्ट पाउडर है। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, कूट के जो सोल्ट का वो आता है गांठ, और चाहे तो अपना पिसा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन घर पर कूटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सोल्ट का पाउडर हमने घर पर ही बना कर रखा था, तो इसमें बहुत अच्छा झार दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका महक। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है और हमारे यहाँ गुजिया सब बहुत खाती, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। आप थोड़ा थोड़ा भी बना सकते हैं। दोस्तों ये मसाला सब मिक्स हो चुका है, इसमें अभी चीनी नहीं डाले हैं। थोड़ा सा मसाला हमको निकालना है इसमें, क्योंकि मेरे मम्मी पापा शुगर पेशेंट हैं, तो उनके लिए हम मसाला निकाल लेंगे और उसमें गुड़ डालेंगे। थोड़ा सा कम मात्रा में गुड़ डाल के बनाएंगे, क्योंकि वो लोग चीनी नहीं खाते हैं, तो इसमें गुड़ मिक्स करके बना देंगे बस। तो ये शुगर वालों के लिए हो जाएगा और ये हमारा सब पूरी फैमिली के लिए। ये है किशमिश, किशमिश हमें थोड़ा सा इसमें मिलाना है, बाकी इसमें मिला देना है थोड़ा सा किशमिश। इसमें हम डाल कर रहे हैं, डाल देंगे क्योंकि हम अलग कर चुके हैं थोड़ा सा। अब हम इसमें चीनी मिला लेंगे अच्छे से। हम 1.5 किलो चीनी इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि मसाला और खोआ पर्याप्त है, तो इसलिए हम 1.5 किलो चीनी इसमें डालेंगे। आप चाहें ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं, इतने में तो ये ज़्यादा मीठा नहीं होगा। तो हम इसको अच्छे से चीनी डाल के मिक्स करेंगे। चीनी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, सारे मसाले के साथ चीनी भी। देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएं। और इधर ये जो शुगर फ्री बनाना है उसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, देख सकते हैं ये एक पाव गुड़ है बस। तो देखिए अब इसमें मेरी छोटी वाली भाभी गुड़ वाला बना रही हैं और बड़ी वाली भाभी चीनी वाला बना रही हैं। अब इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये एक पाव गुड़ है बस, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसमें लास्ट में किशमिश भी डाल देंगे, तो अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम इसको हम ढक के रख देंगे। इसमें तेल लगा है, इसी थाली से हम इसको ढक देंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, देखिए फूट चुका है। अब हम इसी में ये भी डालकर मिक्स कर देंगे। अगर आप शुगर वालों के लिए बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाएं, गुड़ डाल के मिक्स कर दें, बाकी सब प्रोसेस वैसा ही रहेगा। मैदा गूथेंगे, उसमें डालकर छान देंगे, इसको भी हम मिक्स करके रख देंगे। मैदा है 2 kg मैदा, यानी कि 2 किलो। अब हम इसमें मोयम देंगे, मोयम के लिए तेल या घी कुछ भी इसमें डालें। करीब 5 से 6 चम्मच तेल तो होना चाहिए मोयम के लिए। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखा मिक्स हो चुका है मैदा, मतलब तेल इसमें अब मिक्स हो चुका है। अब हम इसको गूंथ लेंगे। गूंथ के तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट डो हमें नहीं बनाना है। इसको हम एकदम नॉर्मल पानी से गूंथेंगे। गूंथ चुका है, पानी गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 मिनट तक मैदा गूंथ चुका है। अब हम एक मार्किन लेंगे कपड़ा, इसको भी भिगा लेंगे। कोई मार्किन ले या सूती कपड़ा ले लें साफ, इसको भिगा के और इससे हम मैदे को ढक देंगे। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। इसको सेट होने में आधा घंटा लगेगा। अब उधर फिर हम आगे थोड़ा वेट कर लेते हैं आधा घंटा तक।
इधर हमारा मसाला है, इधर हमारा ये आटा है, इसके इस तरह से चकई बना लेंगे हम, चकई बना लेंगे पूरा। और ये पैथन आधा घंटा बीत चुका है, पानी ले लिया। अब हम इस तरह से चकई बनाएंगे जैसे कि पूड़ियां बनाते हैं ना, ज्यादा मोटा करना है ना ज्यादा पतला करना है। पेपर भी फैला लेंगे, ज्यादा मोटा भी नहीं अच्छा लगता है, ज्यादा पतला भी नहीं करना हो। अब हम पूड़ियां बेल लेंगे, इस तरह से हम पूड़ियां बेल लेंगे, बड़ा छोटा जैसे गुजिया आपको बनाना है उसी साइज का पूड़ियां बेलें। एक बनाकर हम आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी सारा वैसे ही बनाना है क्योंकि गुजिया तो हमें बहुत ज़्यादा बनाना है, तो पूरा तो हम दिखाएंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसमें मसाला डालेंगे और ये वाली गुठनी हमें लेना है, ये वाली आप चाहे तो वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, हम यही यूज करते हैं, सिर्फ हमें आसानी रहता है तो ये वाला हम यूज़ करेंगे, देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेंगे साइड साइड मसाला डालने के बाद, और इस तरह से करना है। इधर फटाफट पूड़ियाँ बेली जा रही हैं, अब देखिए इस तरह से कट कर लेंगे, इससे बहुत आसानी रहता है, उससे भी अच्छा बनता है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे बनाएं। और इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हम सारा गुजिया बना लेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों गुजिया हमारा इतना बन चुका है, बाकी का इसी तरह से हम बना लेंगे। देखिए इसी तरह से बना लेंगे, कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम तेल डालेंगे, तेल हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे जिससे कि गुजिया जल्दी जल्दी बन जाए अच्छे से। हम तेल गर्म होने का वेट करेंगे, तो गुजिया हमारी देखिए इसी तरह से गोंट के रख ले, अब गर्म हो चुका है, हम गुजिया डालेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, थोड़ा कम गर्म रहे तभी डाल देना है। कि गुजिया हमारे कितनी सुंदर लग रही है देखने में, देख सकते हैं। धीरे धीरे अलट पलट कर पकाना है, देख सकते हैं थोड़ा सा कलर आ जाने तक हमें इसको, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसको हमें तलना है। देख सकते हैं गुजिया हमारी लगभग हो चुकी है, बस इतना ही कलर इसमें लाना है क्योंकि ये मैदा है, तो पक चुकी गुजिया हमारी, हम निकालेंगे। तो दोस्तों हमारी जानकारी, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे गुजिया बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब करके जाएं, देख सकते हैं कितना अच्छा गुजिया बनके तैयार हुआ है। तो आप भी ये ज़रूर बताएं कि हमारी भाभी गुजिया कैसे बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं गुजिया बन चुका है। अब फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।